हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, वो मुझे काफ़ी मेल के थ्रू मिले हैं। मैंने मेल काफ़ी दिनों बाद चेकआउट किया, तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों को रिप्लाई देना भी काफ़ी नेसेसरी हो गया है। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो आपको अपडेट करने के लिए बना रही हूँ। फिलहाल मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जब तक चीज़ एकदम जेन्युइन दिखती नहीं है एज अ प्रूफ हम लोग के पास, तब तक मैं फिर स्पेशली नहीं बनाती। फिलहाल आप लोग के कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, इसीलिए मैंने एक बहुत ही लिटिल बिट में कह सकते हैं छोटा सा एक वीडियो आप लोग के लिए सोचा कि ये चीज़ें आपको अपडेट करूं। क्योंकि आप अलग अलग टाइम पर अलग क्लासेस को देखते हैं, कुछ नहीं भी देखते हैं, कुछ नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी काफ़ी कुछ करते हैं। आज की जो ये वीडियो है, ये छोटा सा एक टॉपिक है जिस पर डिस्कशन करना है, जो आपके डाउट से भरा हुआ है। तो उस पर आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल पर देखा होगा कि हम किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं उस बातों पे जो कि आपको ध्यान में रख कर करने हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ध्यान से एक चीज़ मैं आपसे टेल यही कहना चाहूँगी कि जब तक अब आपके 2024 के जो एग्ज़ाम हैं वो नहीं हो जाते हैं, और आप इस चैनल पर आए हैं, क्लासेस आपने कभी भी की है या कुछ भी वीडियोज़ को देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने से हेल्प आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, इस बात का आपको मैं वादा करती हूँ। क्योंकि आपको लास्ट टाइम में एट द मोमेंट में जो चीज़ें कभी नहीं हो पाती हैं, कुछ और चीज़ें हैं, तो वो शेयर कर दी जाती हैं, और यहाँ पर कितनी क्लासेस हो रही है, क्या चीज़ें, वो सारी अपडेट वहाँ पर दी जाती है। एग्ज़ाम से संबंधित सारी बातें वहाँ पर बताई जाती हैं, बहुत सारे लिंक्स दिए जाते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, टेलीग्राम का नाम भी शालिनी क्लासेस, आप ऑलरेडी ज्वाइन करके प्रॉपर कर सकते हैं। तो ये रही बात जो मैंने आपको बताई, शेयर किया। अब फिलहाल चलते हैं अपने उस टॉपिक पे जिस पे हमें डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा आपका वक्त चाहिए। आइए जानते हैं जो टॉपिक्स आप बहुत खोज रहे हैं, जिस पे आप एक ही चीज़ आप मेरे से पूछते हैं। पूरे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में सिर्फ एक बात रहती है, डीडेड एग्ज़ाम 2024 कब होगा। ये क्वेश्चन आप डेली 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 हर एक स्टूडेंट पूछते हैं, कमेंट बॉक्स पे मेंशन है। आपके एग्ज़ाम की जो अपडेट है, आपको ये बात शुरू से पता होनी चाहिए कि जब से आपने एडमिशन लिया है, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन होता है, 6 मंथ का होता है। और शायद आपका जो ये आप 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, तो आप 2023 बैच के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप 23 बैच के हैं, आप 24 में एग्ज़ाम देते हैं, ऐसा ही हमेशा होता है। आपका जो सेमेस्टर या सेशन कहें स्टार्ट हुआ, तो लगभग 21 नवंबर के बाद स्टार्ट हुआ था। करेक्ट, 21 नवंबर के बाद से आपके 6 महीने का काउंटडाउन लगभग जाके ये जून में कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे पहले भी कंप्लीट होता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 1 दिसंबर का महीना वो और ये लगभग, तो आपका ये मई में कंप्लीट है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी टीचिंग अभी तक नहीं लगी है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी लग के कंप्लीट हो गई है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी टीचिंग कवर कर रहे हैं, तो वो आपके 6 महीने पूरे होने के जस्ट तुरंत बाद आपकी टीचिंग होती है। और जैसे आपकी टीचिंग कंप्लीट होती है, वैसे आपके एग्ज़ाम का फॉर्म वगैरह फिलअप होना शुरू। फिलहाल के लिए अभी सारी चीज़ें जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो आपके 4 जून के बाद ही कोई कार्यक्रम आपका आगे बढ़ेगा, क्योंकि ड्यू टू इलेक्शन सारी चीज़ें ठप रहती, स्टॉप रहती, कुछ भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ता। तो 4 जून के बाद प्रोसेस में आएगा, इसका मतलब ये मान के चलिए कि हो सकता है कि आपको 15 जून तक लगभग पूरी चीज़ें हो जाने के बाद, 15 जून या 20 जून तक हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करने के लिए डेट आए। क्योंकि एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिल होता है, वो आपको ये कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम के फॉर्म फिल होने में सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मिलता है, 5 दिन 6 दिन का, और वो आपके कॉलेज के थ्रू फॉर्म भराए जाते हैं। फिलहाल इतना ध्यान में लेकर चलिएगा कि आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म और एग्ज़ाम जब भी कुछ होगा, उसके 1 महीने पहले आपको बताया जाएगा। अगर आपका 15 जुलाई को एग्ज़ाम होता है, सपोज़ करिएगा 15 जुलाई को एग्ज़ाम होता है, तो आपको 15 जून को ही बता दिया जाएगा कि आपका 15 जुलाई से एग्ज़ाम है, क्योंकि 1 महीने का वो लोग टाइम ड्यूरेशन ज़रूर देते हैं। तो 10 जून जुलाई को एग्ज़ाम लेंगे, तो 10 जुलाई को आपको ये अपडेट ज़रूर मिल जाएगी। आपको 15 से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले ज़रूर अपडेट होती है। अचानक कभी भी पेपर नहीं होता कि आज आपको बताया और नेक्स्ट मंडे को आपका एग्ज़ाम हो गया, जी नहीं, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है। आपको टिल 1 महीने पहले बता दिया जाता है कि आप 1 महीने में अपने सभी पेपर्स की तैयारी कर ले। तो थर्ड सेमेस्टर के जितने स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी, और फर्स्ट सेमेस्टर के जो फ्रेशर्स हैं, जो नए हैं इस एग्ज़ाम में वो भी,
आप लोग के एग्ज़ाम एक साथ होंगे, आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर का पहले होगा, थर्ड सेमेस्टर का बाद में होगा, जैसा कि होता है हमेशा से। 3 दिन आपके होंगे, 3 दिन उनके होंगे और लगातार एक पेपर की श्रृंखला चलेगी जो एक हफ्ते में डन हो जाएगी। आपको पता है कि 1 महीने पहले आपको बताया जाएगा, उसके पहले आपको अपनी टीचिंग कंप्लीट रखनी है और सारे कोर्स को कवर करके रखना। तो एग्ज़ाम के लिए आप परेशान हो रहे हैं, उसके लिए परेशान होने के बजाय आप अपने 8 के 8 पेपर, दोनों सेमेस्टर में 8 पेपर होने हैं और 8 पेपर को तैयार करिए। जो सब्जेक्ट कम तैयार है उस पर ज़्यादा वक्त दीजिए, क्वेश्चंस को देखिए, मल्टीपल टाइम करिए ताकि आपकी हेल्प भी मिल जाए। जो टॉपिक्स आपको नहीं आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में पहले, मैं पहले वही क्वेश्चंस आपको करवाऊँ, तो ये चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में मैंशन करनी होगी ताकि आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाए। मैंने हर चीज़ लगभग बहुत सारे कोर्स मेरे ख़त्म हो गए। अब मैं दोनों सेमेस्टर की जो क्लासेस मुझे करनी है, थर्ड सेमेस्टर का तो पूरा पूरा क्वेश्चंस के फॉर्म में कराना है और इवन फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत कुछ पढ़ा दिया है, अब आपको भी क्वेश्चंस के फॉर्म में होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से समय पर आकर क्लास करिए, क्लास की टाइमिंग बताई गई, टेलीग्राम पर जुड़े रहिए, हर लिंक दिया जाता है, हर चीज़ सॉल्व आपकी की जाती है, ठीक है। तो ये सारी अपडेट जो मैंने शेयर की है आप लोगों को बताया है, जैसे एग्जाम के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चीज़ें आएंगी हम तुरंत आपको शेयर करेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, ठीक है। तो ये अपडेट है आपके एग्ज़ाम को लेकर। जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जून में बिल्कुल नहीं होगा, तो जुलाई के हिसाब से 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, 1 महीने 10 दिन का। अच्छे से पढ़िए, हार्ड वर्क करिए, चीज़ें आपके सॉल्व होंगी और बहुत ही अच्छा पेपर भी आपका ज़रूर होगा, ठीक है। ये रही अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की, जो आप लोग बहुत पूछ रहे थे, पसंद आई है, छोटी सी अपडेट है फिलहाल के लिए। जैसे ऑफिशियल चीज़ें जारी होंगी बताएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय बाय, सी यू सून।